अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे हम हैं वलीमे में, तो यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही, जो कि मैंने 5 मिनट में फ़ौरन फटाफट लगा ली, जो कि अर्क से मैंने लगाई है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी मेहंदी। मैंने सोचा थोड़ा सा शादी में जा रहे हैं तो थोड़े से अच्छे ही बन के चले जाएँ। तो यहाँ मैं आपको हॉल की लोकेशन दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, बहुत सारे तो नहीं थे, खैर आधे मेहमान थे अभी तो फ़िलहाल, और बाद में खुद ही आ जाएंगे मेहमान। तो हम पहुँच गए थे बहुत जल्दी, चूँकि शायद सिर्फ दूल्हा वाले और हम लोग थे। तो यहाँ पे आप लोग को एंजॉय कराएंगे, वलीमे में दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। और ये मेरी तैयारी है, जो कि मैं बहुत ही माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पीछे मर्द हजरात थे और मैं यहाँ थी इस वाली टेबल पर। यहाँ पर सिस्टर वगैरह बैठी हुई थी और चच्ची वगैरह बैठी हुई थी, तो इसलिए मैंने साथ साथ उनको ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे अनाबिया ने बहुत ज़्यादा तंग किया था खाना खाते वक्त भी, और वैसे भी ये सारे जिसके भी फूल थे वो तोड़ तोड़ के सब खा गई थी। मेरे दोनों गजरे खा गई थी। अभी ये देखिए 2 मिनट बाद ये सारे खाली हो जाएंगे, ये गजरे मेरे, जो कि बड़ी मुश्किल से मैंने मांग मांग के अपने हस्बैंड से लिए थे, वरना उनका दिल नहीं था दिलाने का। और यहाँ पे जो है बच्चे जो है, हमने उन्होंने कहा लाएँ हम वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने पूरा हॉल लोकेशन सब दिखा दी। ये है अल-अक्सा लॉन, तो अगर आप लोग को बुकिंग करानी है तो जल्दी से भाग भाग के करवा लें। ये बहुत अच्छा हॉल बैंक्यूट है, हॉल भी कह रही हूँ मैं, सॉरी, बैंक्यूट है, बहुत अच्छा है और बहुत ठंडा है। हालांकि चिलर चल नहीं रहे थे लेकिन बहुत ठंडा, अच्छा कूल था और साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा माहौल था और टेबल्स भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे लाइटिंग ऑफ हो गई है, मत समझे लाइट चली गई है, लेकिन यहाँ लाइट ऑफ करी गई है क्योंकि दूल्हा दुल्हन की एंट्री होगी और फिर मज़ा आएगा। यहाँ पे गाने शाने चले रहे होंगे, तो दूल्हा दुल्हन भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अल्लाह पाक उनको हमेशा उनके साथ सलामत रखे, उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनका रिश्ता हमेशा कायम रखे, आमीन सुमामीन। क्योंकि ये हमारे फ़र्स्ट कज़न है, फ़र्स्ट कज़न से मुराद फुप्पो के बेटे हैं, इसलिए जो है इतनी आसानी से हमारी वीडियो बन गई है। तो यहाँ देख सकते हैं एंट्री इनकी, तो थोड़ा सा मैं इनको ब्लर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इजाज़त नहीं ली इनसे कि दुल्हन की पिक्स या वीडियो दिखानी चाहिए, यानी फिर भी मैंने वीडियो में इनको ले लिया लेकिन ब्लर कर दिया। तो आप लोग इन्जॉय करें और देखें हम लोग कैसे रिसेप्शन को इन्जॉय कर रहे हैं। तो खुश रहें और दूल्हा दुल्हन के लिए भी दुआ कीजिए और उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करें, हम लोगों के लिए भी दुआ करें और ऐसे ही हंसते रहें और एंजॉय करते रहें। यहाँ पे शादी ख़त्म हो चुकी है और जो है हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। शादी नहीं, वलीमा था और अब वलीमा रिसेप्शन। तो आगे नहीं पाल, हम चलते हैं। फाइनली हम घर आ गए हैं। हॉल में से आपको दिखाया था कि हम आ रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने हमें दिला दी चाय, वीडियो में आ गया। तो घर तो बहुत फैला हुआ है लेकिन इन्होंने शुक्र है चाय बनाने का नहीं बोला, लेकिन चाय दिला दी बैठक से, तो हम चाय पी रहे हैं।
मजेदार सी। और अबू यहाँ मजे छोटा सा। और यहाँ अनाविया चेंज कर रही हैं और लाइबा कर चुकी थी, हम चाय लेने चले गए थे, वो थोड़ा सा बैठ के अभी इतराएंगे थोड़ा हस्बैंड। इसको दिखाएं और सर्दी में शॉर्ट्स। ओ ओ इतरारी इतरारी। मम्मा बोले अभी चाय पी देती। मम्मा मम्मा इसकी भी तो टांगों में जान नहीं है। बोलो मम्मा दांत आगे है इसको दिखाएं दांत। नो नो किसी को दांत नहीं दिखाते, सोने के दांत होते हैं। सोने के दांत। वो थैंक यू इन्होंने आज मुझे ये दिलाया गजरा और ये मैंने लगा ली थी मेहंदी इमरजेंसी 5 मिनट्स में कलर आ जाता है। और नहीं नहीं और अब हम करेंगे थोड़ा सा आराम फिर सोएंगे। और ये अनु चाय गिराई थी। देखिए इनका खून ये बहुत इतराती है। इनको चोट लग गई। इधर दिखाओ अब दिखाई नहीं चोट लग गई नहीं के साथ। आज थोड़ा सा तैयार होके बैठे हुए ना ये तो मैंने कहा वीडियो बना ही लें तो हम लोग सब तैयार थे। नाबिया इधर देख मम्मा बोले व्यूअर्स को जल्दी से बताए मम्मा मम्मा इतना है नहीं मम्मा बोले मम्मा मम्मा बाल हटाया हमने मम्मा बोलो। अच्छा मम्मा बोलो तो बोलती है बाबा और बाबा बोलो तो बोलती है मम्मा। अभी इतरा रही है थोड़ा सा तो चले अल्लाह हाफिज़। समय मेरा छोटा सा ब्लॉग था, प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुन्नी अल्लाह हाफिज़ बोले अल्लाह हाफिज़।